अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एट होम एंड सेफ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड द एक्शन पोटेंशियल। आप लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं है, बिकॉज एफएससी में आप लोग यू आर क्वाइट अवेयर ऑफ द पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सोडियम पोटेशियम, एटीपीएस पंप एटसेट्रा। सो दिस इज अ बिट रिव्यू ऑफ ऑल दैट, सो दैट कि आगे आप जो हम जो नर्व एंड मसल के रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो हम करेंगे तो उसमें आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। सो द फर्स्ट स्लाइड ये है हमारी कि जिसमें आयनिक कंसंट्रेशन है बोथ इनसाइड द मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द मेम्ब्रेन। अगर आप इसमें देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आइंस जो है इज मोर ऑन द आउटसाइड, पोटेशियम इज मोर इनसाइड, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है इसमें क्लोराइड, क्लोराइड इज ऑल्सो मोर आउटसाइड। ये तीन जो आइंस हैं दे मेनली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इन तीनों की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होती है या चेंज होती है जिससे कि आइदर मेम्ब्रेन कम्स इंटू द रेस्टिंग स्टेज या मेम्ब्रेन गोज इंटू द स्टेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल, कि जब भी कोई इसको स्टिमुलस दिया जाता है, ठीक है, या उसमें नर्व इम्पल्स जेनरेट होती है। ये है जो स्लाइड है, ये दिस शोज द फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है इसमें इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसका फंक्शन ये होता है कि ये इट एक्सपेल्स टू आइंस ऑफ द पोटेशियम इनसाइड एंड एक्सपेल्स थ्री आइंस ऑफ द सोडियम आउटसाइड। तीन सोडियम ये बाहर फेंकता है और दो पोटेशियम अंदर लेकर आता है। इट मीन्स कि ये ज़्यादा पॉजिटिविटी बाहर मूव कर रहा है और लेस पॉजिटिव ब्रिंगिंग इन, सो इट हैज़ अ कंट्रीब्यूशन इन एस्टैब्लिशिंग अ नेगेटिविटी इनसाइड द मेम्ब्रेन, ठीक है। सो सोडियम पोटेशियम पंप बेसिकली जो है नेगेटिविटी क्रिएट करता है इनसाइड द मेम्ब्रेन। ये आप देखिए एक जनरल रिव्यू ऑफ द सोडियम एंड द पोटेशियम है कि पोटेशियम की चूँकि कंसनट्रेशन इन साइड द मेम्ब्रेन ज़्यादा है सो इट हैज़ मोर टेंडेंसी टू मूव आउटसाइड, और इसी तरह सोडियम के अगर चैनल्स खुले होंगे तो सोडियम एज इट इज़ मोर आउटसाइड सो इट इज़ हैज़ द टेंडेंसी टू मूव इन साइड। अना वॉट हैपन्स, अब आपको ये दिस इज़ अ बेसिक जो पैटर्न है मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, कि लिपिड इसमें जो मेम्ब्रेन होती है लिपिड बायलेयर होती है, और तीन टाइप के इसमें ट्रांसपोर्ट जो प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो इजीली पास हो जाते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होता है ये वाटर होता है वो थ्रू प्रोटीन चैनल्स जो है ना वो इसमें मूव करता है, ठीक है। डिफ्यूजन जो है वो फ्रॉम द दो टाइप की होती है, इसमें सिंपल डिफ्यूजन होती है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। अब सिंपल डिफ्यूजन में कोई इसको कैरियर नहीं चाहिए होता, इट सिंपली डिफ्यूज आइंस डिफ्यूज फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में उसको एक कैरियर प्रोटीन चाहिए होती है आइंस को टू मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। वाटर के लिए उनके स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं या चैनल्स होते हैं जिनको हम एक्वापोरिन्स कहते हैं, और उसके थ्रू वाटर या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होते हैं ना वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास होते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना, अब यहाँ से हमारा ये चैप्टर शुरू होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है डिफ्यूजन पोटेंशियल। डिफ्यूजन पोटेंशियल क्या होता है, जो पोटेंशियल जनरेटेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस आउट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं जिस तरह डिफ्यूज होकर एक स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं, इस तरह से कि उनकी कंसंट्रेशन डज नॉट रिमेन इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन, बट एक साइड पर ज़्यादा होती है और एक साइड पर कम होती है, लेकिन एक ऐसी स्टेज में होती है दैट इट डज नॉट अलाउ more diffusion of the particles across the membrane. वो level of the potential जो है ना that is called diffusion potential. This is just simply because of the diffusion of the particles across it. ठीक है, it is the potential difference across the membrane which blocks further net diffusion despite the highest concentration difference. कि अगर sodium potassium की potassium अंदर जो है 140 भी है और बाहर जो है वो 14 भी है या कम भी है, तो उसका जो डिफरेंस आता है वो फिर भी एक इसके डिफ्यूजन पोटेंशियल की वजह से पोटेशियम विदाउट रीजन जो है ना बाहर मूव नहीं करता अनलेस डिस्टर्ब बाय एनी स्टिमुलस, ठीक है। इट इज़ कॉज बाय द जो डिफ्यूजन पोटेंशियल है ये कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ऑन द बोथ साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन एस्टेब्लिश हो जाती है,
और पोटेंशियल डिफरेंस पोटेशियम के लिए -94 मिलीवोल्ट्स होता है, और जो सोडियम के लिए +61 मिलीवोल्ट्स होता है। ये आपको MCQs में आ सकता है। अब इसमें इस स्लाइड में देखिए, वो कहते हैं कि अगर मेम्ब्रेन बिल्कुल परमिएबल हो टू द पोटेशियम, पोटेशियम जो है ना वो ज़्यादा उसी कंसंट्रेशन इनसाइड द मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब इसमें एक टेंडेंसी होगी, अगर ये खुल जाएगा इसका चैनल तो इसमें टेंडेंसी है इट विल मूव आउटसाइड, ठीक है। लेकिन जो डिफ्यूजन पोटेंशियल है उसकी वजह से इट वॉन्ट मूव आफ्टर अ सर्टन डेफिनेट नंबर या डेफिनेट कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर आप ये देखिए, इसमें कहते हैं द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट काउंटर्स, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है जो कि काउंटर करता है या ब्लॉक करता है जो जो या उसको अगेंस्ट मूवमेंट ऑफ द पोटेशियम को फंक्शन करता है, उसको हम पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कह देते हैं। यानी एक उसका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल वो होता है जिसमें फर्दर मूवमेंट ऑफ द पोटेशियम आइन अक्रॉस द मेम्ब्रेन प्रिवेंट करता है द पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू होती है -94 मिलीवोल्ट्स, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या है? इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को एक और भी टर्मिनोलॉजी होती है जिसको कहते हैं नर्स पोटेंशियल। दिस इज आफ्टर द साइंटिस्ट जिसने ये एस्टैब्लिश किया था, इसने इसको डिस्कवर किया था कि एक पोटेंशियल उस पर जनरेट होता है या रेस्ट करता है एट द मेम्ब्रेन, और उसको उसने फिर कैलकुलेट करके एस्टैब्लिश फार्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, इसको हम कहते हैं नर्स पोटेंशियल। अब नर्स पोटेंशियल होता क्या है? द डिफ्यूजन पोटेंशियल लेवल अक्रॉस अ मेम्ब्रेन दैट एग्जैक्टली ऑपोजिट द नेट डिफ्यूजन ऑफ द पर्टिकुलर आयन थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक है। नर्स पोटेंशियल वो होता है कि वो इतना पोटेंशियल जनरेट हो जो कि डिफ्यूजन ऑफ द आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन को अपोज करे, ठीक है। और नर्स पोटेंशियल की वैल्यू जो है ना वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है बाय द कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ द आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कि जितना एक किसी एक पर्टिकुलर आयन की कंसंट्रेशन डिफरेंस है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उतना ही नर्स पोटेंशियल जो है ना वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होता है जो कि अपोज करता है और बट इक्वल होता है और अपोज करता है आयनिक कंसंट्रेशन को, यानी जितनी आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उसके इक्वल ही इतना ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होगा जो कि अपोज करेगा मूवमेंट ऑफ द आयन को। द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स नीडेड टू बैलेंस द केमिकल फोर्स कॉज्ड बाय अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस, यानी वो केमिकल मूवमेंट ऑफ आयन को अपोज करता है बाय इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है। इसको हम नर्स पोटेंशियल कहते हैं। या मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस एट विच द मूवमेंट डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इक्वल्स द मूवमेंट डाउन द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, ठीक है। यानी जो आयन कंसंट्रेशन जो है ना उसकी मूवमेंट वो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट से अगर उसके बराबर जाती है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो द नेट डिफ्यूजन जो है ना दैट डज नॉट टेक प्लेस, अगेन नर्स पोटेंशियल जो है उसको अपोज करता रहता है, ठीक है। The magnitude of the nurse potential is determined by the ratio of the concentration of the specific ion on the two sides of the membrane. यानी कोई हम और nurse potential से हम और इसकी equation से हम सिर्फ एक ion को at a time उसका concentration difference या उसका जो membrane ये potential है ये nurse potential है सिर्फ single ion का हम इसे calculate कर सकते हैं, और वो depend करता है कि कितना उस ion का particular concentration difference है across the membrane, ठीक है। अब आगे नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स ने जो है ना आफ्टर सीइंग ये एक पोटेंशियल है विच अपोजिस द नेट डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू द डिफ्यूजन पोटेंशियल बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये इस इक्वेशन में आप देखिए, ये दिस इज द इक्वेशन बाय विच वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नर्स पोटेंशियल ऑफ एनी आयन एट अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला ये है EMF, EMF होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन मिलीवोल्ट्स, वो पोटेंशियल की है यूनिट है उसका, इज इक्वल टू +-61/z इंटू लॉग ऑफ द कंसनट्रेशन इन साइड डिवाइड बाई कंसनट्रेशन आउटसाइड, यानी कंसनट्रेशन इन साइड और आउटसाइड का जो डिफरेंस आएगा उसका लॉग और +-61/z जाके EMF इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड जी इज द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ आयन। इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी जैसे अगर सोडियम पोटेशियम को लेते हैं दैट इज +1, 1 है चार्ज उसका, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो नर्स
पोटेंशियल इज द पोटेंशियल, और ये नल्स पोटेंशियल जो आता है कैलकुलेशन के बाद, ये वो पोटेंशियल को जाहिर करता है विच इज इन साइड द मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये अपोज करता है नेट डिफ्यूजन पोटेंशियल को और उसकी इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड डज नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ आइंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला का याद रखना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन मिलीवोल्ट इज इक्वल टू प्लस माइनस 61 ओवर जी, जी जो है वो चार्ज है पार्टिकल पे, इन टू द लॉग ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द आइन इन साइड एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द आइन आउटसाइड द मेम्ब्रेन। द ग्रेटर दिस रेशियो, द ग्रेटर द टेंडेंसी फॉर द आइन टू डिफ्यूज इन वन डायरेक्शन एंड देयरफॉर द ग्रेटर द नल्स पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द एडिशनल नेट डिफ्यूजन, ठीक है। अगर कंसेंट्रेशन इन साइड और आउटसाइड उसका डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उनकी जितनी ज़्यादा उसका रेशियो आएगा उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी आइन की टू मूव फ्रॉम इन साइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इन साइड। अगर जो है ना, और वो नल्स पोटेंशियल को उसके रेफरेंस से ही फिर उतना ही ज़्यादा नल्स पोटेंशियल होगा वो उसकी वैल्यू होगी। अब ये साइन ऑफ द पोटेंशियल, ये क्योंकि नल्स पोटेंशियल डिटरमिन कर रहा है द पोटेंशियल इन साइड द मेम्ब्रेन, तो जो साइन ऑफ द पोटेंशियल के आइदर अंदर नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है वो डिटरमिन होती है कि कौन सा आइन डिफ्यूज किया है फ्रॉम इन साइड टू आउटसाइड। अगर फ्रॉम इन साइड पॉजिटिव आइन मूव कर गया आउटसाइड तो नल्स पोटेंशियल जो है ना वो नेगेटिव में चला जाएगा। अगर पॉजिटिव आइंस जो है, अगर नेगेटिव आइन अंदर से बाहर मूव कर गया है तो अंदर नल्स पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो द साइन ऑफ द नल्स पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा आइन मूव किया है फ्रॉम इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द आउटसाइड, बिकॉज नल्स पोटेंशियल डिटरमिन करता है द पोटेंशियल इनसाइड द मेम्ब्रेन, ठीक। अब इसमें देखिए, यहाँ पे इसको हम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर द पोटेशियम भी कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें इक्विलिब्रियम ई के इज द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर पोटेशियम या नल्स पोटेंशियल फॉर पोटेशियम, माइनस 61 लॉग ओवर पोटेशियम कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इनसाइड, के आई इज द पोटेशियम कंसेंट्रेशन इनसाइड, के ओ इज द पोटेशियम कंसेंट्रेशन आउटसाइड। अगर पोटेशियम कंसेंट्रेशन आउटसाइड 4 मिली इक्विवेलेंट है और पोटेशियम कंसेंट्रेशन इनसाइड 140 मिली इक्विवेलेंट है तो माइनस 61 लॉग 140 ओवर 4 क्या आ जाता है 35, तो माइनस 61 इंटू लॉग ऑफ 35 होता है 1.54। तो अगर माइनस 61 को 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट कम्स आउट टू बी माइनस 94 मिलीवोल्ट। माइनस 94 मिलीवोल्ट इज द नल्स पोटेंशियल फॉर पोटेशियम, ठीक है। माइनस 94 मिलीवोल्ट इज द नल्स पोटेंशियल फॉर पोटेशियम। इसका मतलब ये है, अगर इसका नल्स पोटेंशियल की वैल्यू इतनी ज़्यादा है, इसका मतलब है इट इज़ मोर इफेक्टिव इन establishing a potential inside the membrane, ठीक है ना। जितना nurse potential इसकी अपनी quality ज़्यादा है जितना इसका, अब देखिए एक इसके concentration inside and outside उसका 35% का difference आ रहा है ratio का, ठीक है ना। तो इतना ही इसमें tendency है for the potassium to move outside the membrane, ठीक है। Yeah, if the membrane were permeable only to potassium तो VM होता है resting membrane potential, that would be minus 94 millivolts, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल हो सिर्फ सोडियम के लिए, ठीक है, तो सोडियम वुड डिफ्यूज डाउन इट्स कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट अंटिल द पोटेशियम क्रॉस द मेम्ब्रेन काउंटर डिफ्यूजन। तो पोटेशियम सोडियम में टेंडेंसी है कि चूंकि वो बाहर ज़्यादा है और तो उसमें टेंडेंसी है कि वो इनसाइड मूव करें, लेकिन द जो ड्यू टू द जब तक के उसकी नर्स पोटेंशियल जो है ना उसको काउंटर नहीं करेगा उस हद तक वो अंदर आ सकता है। जब उसको काउंटर कर देता है तो नो फर्दर डिफ्यूजन ऑफ द सोडियम टेक्स प्लेस। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट काउंटर्स द नेट डिफ्यूजन ऑफ द सोडियम इज कॉल्ड द सोडियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, ठीक है। जो नेट जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जितना है वो अगर प्रिवेंट करता है नेट डिफ्यूजन ऑफ द सोडियम इन साइड उसको हम कह देते हैं द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर सोडियम आइंस। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये जो है ना इसमें ई के लिखते हैं बट ई सोडियम होना चाहिए। ये सोडियम के लिए अगर हम देखें तो माइनस 61 लॉग इज इक्वल टू सोडियम कंसेंट्रेशन इनसाइड ओवर सोडियम कंसेंट्रेशन आउटसाइड, ठीक है। सोडियम कंसेंट्रेशन जो है आउटसाइड वो होती है 140 मिली इक्विवेलेंट और सोडियम कंसेंट्रेशन इनसाइड है 14 मिली इक्विवेलेंट। सो बाय पुटिंग इट इन फॉर्मूला ई के इज इक्वल टू माइनस 61 लॉग इनटू 14 ओवर 140,
तो 14 ओवर 140 हो जाएगा, 1/10 इज 0.1, तो -61 इंटू लॉग ऑफ 0.1 होता है -1, तो -61 मल्टीप्लाइड बाय -1 दैट कम्स आउट टू बी +61 मिलीवोल्ट. सो जो नेट डिफ्यूजन नर्स पोटेंशियल है फॉर द सोडियम और इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है फॉर द सोडियम इज +61 मिलीवोल्ट, और क्लोराइड के लिए अगर हम कैलकुलेट करें दैट कम्स आउट टू बी -70 मिलीवोल्ट. सो अपना एक नर्स पोटेंशियल है हर एक का जो के उसकी अपोज करता है द नेट डिफ्यूजन बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन डिफरेंस. ठीक है, अब दिस वॉज द नर्स इक्वेशन जो है ना, ये सिर्फ एक आयन को हम उससे एक आयन की इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को हम या नर्स पोटेंशियल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन गोल्डमैन हॉजकिन ही प्रपोज एन अदर इक्वेशन जिससे कि हम मोर देन वन आइंस को हम उनको हम उनका उनकी वजह से जो नर्स जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जनरेट होता है ऑन द सेल मेम्ब्रेन इनसाइड उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अगर मेम्ब्रेन परमिएबल हो फॉर मोर देन वन आइन या फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइंस, तो डिफरेंट जो है ना जो तीन मेन फैक्टर जो है ना वो फिर दे अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ नर्स पोटेंशियल इनसाइड. तो उसमें तीन जो जितने भी आइंस होते हैं उसकी तीन क्वालिटीज़ जो होती हैं या तीन कैरेक्टरिस्टिक जो होती है ना वो उन पर डिपेंड करता है द डेवलपमेंट ऑफ द नर्स पोटेंशियल. पहली होती है कि पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज, कितनी पोलैरिटी है इसकी, प्लस है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, कितनी वैलेंसीज होती है उसकी, वो उस पर डिपेंड करता है. दूसरे परमिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन उस आइन के लिए कितनी है, जैसे कि पोटेशियम जो है वो हाईली परमिएबल होता है और मेम्ब्रेन जो होती है वो इम्परमिएबल होती है फॉर द सोडियम क्लोराइड एंड द प्रोटीन्स. ठीक है, द कंसेंट और दूसरी तीसरी चीज़ जो है जिस पर डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन डिफरेंस कितना है उन सारे आइंस का अक्रॉस द मेम्ब्रेन. सो गोल्डमैन जो है इट होल्ड्स गुड कि जब मेम्ब्रेन जो है इट्स परमिएबल फॉर मोर देन वन आइंस. ठीक है, अब इसमें ये देखिए, ये है दिस इज द गोल्डमैन इक्वेशन, ये भी आपने याद करनी है बिकॉज इनमें से कोई एक आ जाती है आइदर इन द एमसीक्यूज और इन द एसीक्यूज, शॉर्ट नोट में भी आ जाता है और फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ जाता है सब. अब इसमें देखिए ईएमएफ मिलीवोल्ट्स में -61 लॉग ऑफ, अब इसमें सी स्टैंड्स फॉर द कंसंट्रेशन, पी स्टैंड्स फॉर पोलैरिटी. ठीक है, पोलैरिटी जो इसकी आयनिक है, कंसंट्रेशन जितनी इनसाइड है, उसके बाद आ जाता है पोटेशियम की, उसी तरह क्लोराइड की, नीचे जो है ना डिवाइडेड बाय द उसी तरह ही कंसंट्रेशन ऑफ ये इनसाइड का है, उसके बाद आउटसाइड. ठीक है, जितनी कंसंट्रेशन है सोडियम की इनसाइड, नीचे वाले में कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आउटसाइड. सो बाय कैलकुलेटिंग ऑल दीज थिंग्स वी गेट द सर्टन वैल्यू ऑफ द नर्स पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, और वो जिसको हम कहते हैं गोल्डमैन्स इक्वेशन के थ्रू वी कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ मोर देन वन आइंस. ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या होता है इसके, मीनिंग ऑफ द गोल्डमैन कहते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड दे हेल्प डिटरमिनिंग द वोल्टेज ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. जाहिर है ये तीनों इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो इसको आफ्टर कैलकुलेशन जितना हमारे पास प्लस या माइनस में जितना हमारे पास वोल्टेज आ जाती है दैट इज द वोल्टेज ऑफ द मेम्ब्रेन इनसाइड. ठीक है, द वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द मेम्ब्रेन परमिबिलिटी ऑफ दैट आइन. ठीक है, कि जितनी ज़्यादा परमिबिलिटी होगी तो उस आइन के लिए उतनी ही ज़्यादा उसकी वोल्टेज भी डिपेंड करती है. The positive ion concentration gradient from inside the membrane to the outside causes electronegativity inside the membrane. ज़ाहिर है अगर पॉजिटिव आइन जो है वो अंदर ज़्यादा होंगे और उसका कंसनट्रेशन ग्रेडियंट पॉजिटिव साइड पर होगा फ्रॉम आउटसाइड, तो होता ये है कि वो ज़्यादा वो बाहर मूव करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट करेगा. ठीक है, पर इसका मेनली क्या होता है कि परमिबिलिटी ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स इज मोर इम्पोर्टेंट. मेजरमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. हेलो, ठीक है, सॉरी. नाउ अब यह है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है उसके डिफरेंट मेथड्स हैं. एक तो ये होता है कि हम
उस नर्व फाइबर के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं जिससे कि और स्टिमुलस देते हैं जिससे कि इम्पल्स जनरेट एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है या जितना पोटेंशियल भी जनरेट होना है इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जो इस्टेब्लिश होता है आफ्टर द स्टिमुलस को फिर हम अटैच कर देते हैं विद द वोल्ट मीटर और वहाँ पर वो रिकॉर्ड हो जाता है। अब इसमें देखिए एक नर्व फाइबर है जिसके ऊपर और नीचे उन्होंने दिखाया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आइंस है ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। अंदर की साइड पर देखिए तो नेगेटिविटी है और उसके बाहर ही पॉजिटिव आइंस लगे हुए हैं। विद अ स्लाइट चेंज बॉटम में आ जाएं आप तो जो लोअर मोस्ट है वहाँ पर देर इज अ स्लाइट चेंज इन द आयनिक कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि इस जगह पे अलग अगर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस आ गया है तो वहाँ पे जो पॉजिटिविटी है दैट माइट मूव इनसाइड और मे क्रिएट पॉजिटिविटी इनसाइड। उससे ये होगा जो -90 जो मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट मे लीड टू द जीरो। सो देयर आर डिफरेंट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ना ऑफ अ लार्ज नर्व फाइबर जो है हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अ कंडीशन व्हेन द लार्ज नर्व फाइबर इज नॉट ट्रांसमिटिंग एनी नर्व इंपल्स। यानी जिस वक्त किसी नर्व फाइबर कोई भी नर्व इंपल्स पास ऑन नहीं हो रही उस वक्त जितना मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको हम कह देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी जहर नर्व फाइबर इज एट रेस्ट डूइंग नथिंग उस वक्त जो उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह देते हैं। लार्ज नर्व फाइबर के केस में ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू होती है -90 मिलीवोल्ट्स। आपने याद रखते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ लार्ज नर्व फाइबर इज -90 मिलीवोल्ट। ठीक है, अब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे कोई इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों का ही डिफरेंस नहीं होता। इलेक्ट्रिकल और केमिकल ग्रेडियंट जो है वो इक्विलिब्रियम पर होता है एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, कोई मूवमेंट ऑफ आइंस नहीं हो रही होती अनलेस कि वहाँ कोई स्टिमुलस आ जाए। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इस्टेब्लिश करने में तीन मेन टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इस्टेब्लिश करते हैं एट द नर्व फाइबर। पहला होता है पोटेशियम लीक चैनल्स होते हैं, दूसरे सोडियम लीक चैनल्स होते हैं और तीसरे एक्टिव सोडियम पोटेशियम पम्प होता है। ठीक है, ऑल द वोल्टेज गेटेड चैनल्स आर क्लोज्ड एट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दैट इज द वोल्टेज गेटेड सोडियम पोटेशियम कैल्शियम चैनल्स होते हैं ना वो सारे क्लोज होते हैं जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। जब जो नर्व फाइबर मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग स्टेज में होती है तो जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं वो सारे क्लोज होते हैं। सिर्फ सोडियम लीक चैनल्स, पोटेशियम लीक चैनल्स और सोडियम पोटेशियम पम्प जो होता है ना वो एक्टिव होता है और वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, ये है आपको फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये अब आप देखिए सोडियम की कंसंट्रेशन आउटसाइड 142 है, अंदर 14 है। पोटेशियम अंदर आउटसाइड 4 है और अंदर 140 है। अब इनका नीचे इसने जो है ना रेशियो बताई भी है, सोडियम इनसाइड आउटसाइड की 0.1 है और पोटेशियम इनसाइड आउटसाइड की 35 है। आप देखेंगे पोटेशियम की जो है कंसंट्रेशन डिफरेंस कितना ज़्यादा है। तो हमने पहले भी देखा है कि नर्व पोटेंशियल इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस। जिस आइंस का जितना कंसंट्रेशन डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही उसका नर्व पोटेंशियल या इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है, सो द मैकेनिज्म किस तरह जनरेट होता है पोटेशियम लीक चैनल्स के थ्रू। द मेजर फैक्टर इन्वॉल्व इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम थ्रू द पोटेशियम लीक चैनल्स। उन पोटेशियम लीक चैनल्स को हम टेंडम कोर डोमेन भी कहते हैं। ठीक है, आप देखिए कि ये पोटेशियम जो है ना वो मेन कंट्रीब्यूशन होती है कि पोटेशियम लीक चैनल्स के थ्रू पोटेशियम मूव्स आउटसाइड। पोटेशियम लीक चैनल्स में ऑल्सो लीक सोडियम आइंस लेकिन उनकी क्वान्टिटी इतनी कम होती है कि वो नेग्लिजिबल होती है। पोटेशियम आइंस जो होते हैं वो 100 टाइम्स ज़्यादा पोटेशियम मूव करते हैं बाहर एज कम्पेयर टू द सोडियम आइंस। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन जो है ना इज ऑलमोस्ट इम्परमेबल होती है टू सोडियम क्लोराइड एंड प्रोटीन बट परमेबल होती है टू द पोटेशियम आइंस। तो पोटेशियम जो होते हैं दैट मूव डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन आते हैं दैट इज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, जब वो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड रहते हैं दे कैरी द पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड एंड द मोर नेगेटिविटी इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड तो एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, द नेगेटिव चार्ज इनसाइड द सेल वो फिर दोबारा अट्रैक्ट करते हैं पोटेशियम टू मूव इनसाइड द सेल। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं कि जो मूवमेंट ऑफ द पोटेशियम थ्रू द लीक चैनल जो है ना वो एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करता है -94 मिलीवोल्ट्स को। ठीक है, अब पोटेशियम का जो है ना उस पर एक्शन पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आता है कि किसी भी
पोटेंशियल जनरेशन में उसका क्या है। अब चूंकि मेन फैक्टर पोटेशियम है जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एस्टैब्लिश करता है, हाइपोकलेमिया अगर पोटेशियम लेवल कम हो जाए, देयर इज मोर नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नोन एज हाइपरपोलराइजेशन। क्या है कि इसने जो नेगेटिविटी प्रोड्यूस करी, अगर लार्ज नंबर ऑफ पोटेशियम है वो बाहर मूव कर जाएंगे तो अंदर नेगेटिविटी प्रोड्यूस होती है, लेकिन अगर वो ही थोड़े से और वो भी बाहर मूव कर जाएं तो होता यह है कि ज़्यादा नेगेटिविटी अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। ज़्यादा नेगेटिविटी अंदर प्रोड्यूस होती है तो उसको डीपोलराइज करना या उसको दोबारा एक्साइट करना डिफिकल्ट हो जाता है, वो जो हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे जब हम एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे। और एक होती है कंडीशन पीरियोडिक फैमिलियल पैरालिसिस, उसमें क्या होता है पोटेशियम कंसंट्रेशन जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो कम या ज़्यादा होती रहती है, ठीक है, और वो हाइपरपोलराइजेशन में भी चली जाती है और हाइपोपोलराइजेशन में भी चली जाती है, ठीक है। सो जब हाइपरपोलराइजेशन होती है यानी मोर नेगेटिविटी हो जाती है तो मसल्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली पैरालाइज हो जाते हैं क्योंकि वो स्टिमुलेट नहीं होते, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। हाइपरपोलराइज स्टेट इज द मोर नेगेटिव स्टेट, तो उसको पॉजिटिव पे लाने के लिए ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, इसलिए उसको उसकी एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है। अगर पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो जाए इन हाइपरकेलीमिया तो होता यह है कि चूँकि अंदर जो है ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ना वो लेस नेगेटिव होता है, -94 के बजाय वो सपोज -60 चला जाएगा, -50 चला जाएगा, तो होता यह है कि उसको एक्साइट करना ईजी होता है, ठीक है, उसको पॉजिटिव की तरफ लाना इज मोर ईजी, तो उसकी एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी अगर पोटेशियम कम हो तो एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है, अगर पोटेशियम ज़्यादा हो तो एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, सोडियम लीक चैनल जो है ना उनका डायरेक्टली इतना अफेक्ट नहीं होता है ऑन एस्टैब्लिशिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और ना ही क्लोराइड का इतना होता है, लेकिन जो कि मेनली पोटेशियम पे डिपेंड करता है, पोटेशियम लीक चैनल्स पे, चूँकि उनका लेवल जो है ना विद इन द इनसाइड द मेम्ब्रेन उसका कंसंट्रेशन डिफरेंस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ज़्यादा होता है तो उसका अफेक्ट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी तरह ये हम पहले कर चुके हैं कि सोडियम का हम जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ना उसका +61 उसकी कंट्रीब्यूशन होती है, क्लोराइड की -70। सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, इसका काम क्या है कि इसमें 3 सोडियम बाहर निकालने और 2 सोडियम को अंदर अलाउ करना है, सो इट ऑल्सो क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी, क्योंकि ये ज़्यादा पॉजिटिव आइंस को बाहर मूव करता है और कम अंदर आने देता है, तो इट ब्रिंग्स अबाउट अ नेगेटिविटी ऑफ -4 mV, ठीक है। तो इट कॉजेज द लार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर द सोडियम एंड द पोटेशियम अक्रॉस द रेस्टिंग नर्व मेम्ब्रेन। ये जो है आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की ये समरी है, इसमें आपको ये सारा वही जो हमने सारा पढ़ा है कि ऊपर देखिए कि किस तरह से उसकी मूवमेंट ऑफ द सोडियम होती है इनसाइड एंड आउटसाइड, और वो कंसंट्रेशन डिफरेंस जो है ना वो प्रोड्यूस करती है, इसी तरह पोटेशियम करती है, ठीक है। इसी तरह ये इसके नर्व फाइबर की फॉर्म में दिखाया है उन्होंने कि चूँकि ये कंसंट्रेशन डिफरेंस है, पोटेशियम जो है ना दैट मूव्स मोर इजीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन देन द सोडियम आयंस, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द पोटेशियम डिफ्यूजन पोटेंशियल, अब पोटेशियम का डिफ्यूजन पोटेंशियल कितना निकला है -94, कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोडियम डिफ्यूजन थ्रू द नर्व मेम्ब्रेन इज +61 mV। गोल्डमैन इक्वेशन में अगर हम सारी वैल्यूज ये पुट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो नर्व पोटेंशियल आता है या इक्विलिब्रियम पोटेंशियल आता है सेल मेम्ब्रेन का, वो कैलकुलेट करने के बाद गोल्डमैन इक्वेशन से -86 mV आता है, विच इज़ मोर क्लोज टू द पोटेशियम पोटेंशियल रादर देन टू द सोडियम पोटेंशियल, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन जो है जो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप की आती है वो दैट इज -4 mV। बाय एडिंग दीज टू वैल्यूज -86 एंड -4 mV, तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ नर्व फाइबर दैट कम्स आउट टू बी -90 mV, ठीक है। सो मेन कंट्रीब्यूशन है पोटेशियम लीक चैनल्स की और पोटेशियम के पोटेंशियल की जो -94 है, उसके बाद जो है ना जो मेन है वो है एंड इट इज़ मोर क्लोज टू द पोटेशियम रादर देन क्लोज टू द सोडियम जो कि +61 होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो सोडियम पोटेशियम पंप है उससे -4 mV का एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है यहाँ पर, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिससे कि ये टोटल आ जाता है हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम्स आउट टू बी -90 mV। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो वैल्यू है डिफरेंट टिश्यूज में डिफरेंट होती है। स्केलेटल मसल में जैसे नर्व फाइबर और स्केलेटल मसल दोनों में ही -90 mV होती है। कार्डिक मसल में -85 to -90 mV होती है। स्मूथ मसल्स में -55 to -60 mV होती है। और SA नोड एंड साइनोएट्रियल नोड है फाइबर्स
जो कि पेसमेकर ऑफ हार्ट है उसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -55 टू -60 मिली वोल्ट होता है. ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. नाउ वी कम टू अनदर सिचुएशन व्हिच इज कॉल्ड द नर्व एक्शन पोटेंशियल. वो सिचुएशन जबकि स्टिमुलस आया है, नर्व इम्पल्स आई है और वहाँ पे पोटेंशियल जनरेट हुआ है, कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज डिस्टर्ब और वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है जिसने कि आगे नर्व इम्पल्स लेके जानी है थ्रू द नर्व फाइबर और उस या और इम्पल्स जानी है थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स. ठीक है, अब होता क्या है एक्शन पोटेंशियल. दिस इज द रैपिड रिवर्सिबल चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम नॉर्मल रेस्टिंग नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल ड्यू टू द स्टिमुलस. यानी जो नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज कन्वर्टेड टू द पॉजिटिव एक्शन पोटेंशियल वेन एवर एनी स्टिमुलस कम. ठीक है, ये रिवर्सिबल चेंजेस आती हैं इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल. इट इज एब्रप्ट पल्स लाइक चेंज होती है इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड इट लास्ट फॉर जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, 100,000th ऑफ अ सेकेंड का के लिए ये चेंज आता है विद इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द डिफरेंट आइंस across the membrane. During action potential, there is reversal of the membrane potential, that is inside becomes positive and outside becomes negative. And it spreads rapidly along the nerve fiber. And it ends with an almost equally rapid change back to the negative potential. यानी ये end up होती है वहाँ पर कि जब दोबारा से वही situation create हो जाए कि जितने ions बाहर move किए हैं वो दोबारा inside आ जाए और अंदर फिर से negativity produce हो जाए और बाहर फिर से positivity आ जाए. So action potential जो है ना वो चेंज इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ड्यू टू द स्टिमुलस. होता क्या है इसमें, आयन कंसंट्रेशन चेंज होती है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन और जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है बिकम्स मोर पॉजिटिव इनसाइड एंड मोर नेगेटिव आउटसाइड. ठीक है, लेकिन बाय एंड ऑफ दिस पोटेंशियल होता क्या है, दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली सिचुएशन इस्टेब्लिश हो जाती है, अंदर फिर नेगेटिव हो जाता है बाहर फिर पॉजिटिव हो जाता है. नाउ देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल. पहली होती है पोलराइजेशन. पोलराइजेशन फेज होती है जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है. ठीक है, उसमें क्या है कि अंदर नेगेटिविटी है बाहर पॉजिटिविटी है. डीपोलराइजेशन होती है इसमें सेकंड स्टेज, मेम्ब्रेन बिकम्स लेस पोलराइज्ड देन एट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड दिस सडन लॉस ऑफ नेगेटिविटी इनसाइड द मेम्ब्रेन. ठीक है, नेगेटिविटी कम हो जाती है अंदर. रीपोलराइजेशन होती है कि जिसमें मैक्सिमम जो है ना नेगेटिव पॉजिटिविटी होके उसके बाद दोबारा से नेगेटिविटी जब जनरेट होती है ब्रिंगिंग इट बैक टू द मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन स्टेट, तो हम इसको मोर ब्रिंगिंग मोर नेगेटिविटी इनसाइड, उसको हम डीपोलराइजेशन स्टेट कहते हैं. एक होती है अगर ज़्यादा एक्टिव हो जाए चैनल ज़्यादा देर खुले रह जाए एंड मोर नेगेटिविटी इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द मेम्ब्रेन देन इट इज कॉल्ड द हाइपर पोलराइजेशन स्टेट. ठीक है, मेम्ब्रेन बिकम्स मोर पोलराइज देन एट द रेस्टिंग पोटेंशियल दैट इज मोर नेगेटिविटी इनसाइड. सो चार स्टेजेस फेजेस होती हैं एक्शन पोटेंशियल की. पोलराइजेशन जो रेस्टिंग होती है, डीपोलराइजेशन जो पॉजिटिविटी हो जाती है इनसाइड, रीपोलराइजेशन दोबारा से नेगेटिविटी हो जाती है और हाइपर पोलराइजेशन के अंदर नेगेटिविटी हो जाती है मोर नेगेटिव देन द रेस्टिंग स्टेज. ठीक है, उसको हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं. अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स. अब वोल्टेज गेटेड सोडियम के जो चैनल्स थे दे वर क्लोज इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेज, लेकिन एक्शन पोटेंशियल स्टेज में जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं. अब सोडियम गेट वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल्स होते हैं उसमें टू टाइप के गेट्स होते हैं, एक आउटर एक्टिवेशन गेट होता है और अंदर इनएक्टिवेशन गेट होता है. ठीक है, इन द रेस्टिंग स्टेट एक्टिवेशन गेट इज क्लोज, यानी बाहर वाला जो है ना वो गेट क्लोज होता है ताकि बाहर से सोडियम अंदर ना आए. ठीक है, एंड इनएक्टिवेशन गेट इज ओपन, अंदर वाला जो गेट इनएक्टिवेशन गेट होता है वो खुला होता है. अब इसमें आप देखिए ऊपर वाले जो तीन हैं वो दिखाए हैं सोडियम के और नीचे वाले दो पोटाशियम. होता क्या है कि ऊपर आप देखिए रेस्टिंग स्टेज पे जो एक्टिवेशन गेट है ऊपर वाला सोडियम का वो बंद है और नीचे जो इनएक्टिवेशन गेट है वो खुला हुआ है, सोडियम बाहर से अंदर आ नहीं सकता. लेकिन जब और नीचे जो पोटाशियम वाला जो है रेस्टिंग स्टेज पे वो चैनल अभी बंद है, कोई मूवमेंट इनसाइड एंड आउटसाइड नहीं हो रही. जब आ जाता है एक्शन पोटेंशियल का स्टिमुलस आता है तो होता यह है कि बाहर जो एक्टिवेशन गेट है वो भी खुल जाता है, नीचे जो इनएक्टिवेशन गेट है वो भी एक्टिव हो जाता है, तो सोडियम बाहर से जो है अंदर मूव होती जाती है और रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम होता है. तो जो इसका जो एक्शन जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -90 से +35 मिली वोल्ट तक चला जाता है ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल. उसके बाद क्या होता है कि अंदर से जो इनएक्टिवेशन गेट है फिर से बंद हो जाता है, तो बाहर से सोडियम जो है और मजीद अंदर आता नहीं है.
उस वक्त क्या होता है, पोटेशियम चैनल जो है जो कि पहले बंद थे वो स्लो पोटेशियम चैनल वो स्लोली एक्टिवेट हो जाता है उसका गेट और वो खुल जाता है, तो उससे पोटेशियम जो है वो बाहर मूव कर जाता है। जब वो बाहर मूव करता है तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जो +35 पे गया हुआ था ऊपर, वो दोबारा -90 mV पर आ जाता है। दिस इज़ हाउ दीज टू चैनल्स दे वर्क टुगेदर टू इस्टेब्लिश एन एक्शन पोटेंशियल एट अ नर्व फाइबर और अ मसल फाइबर। ठीक है, ये अपने ख्याल रखना है। सोडियम जो है आयन, उसके दो चैनल दो गेट्स होते हैं वोल्टेज गेटेड के, एक होता है एक्टिवेशन एक इनएक्टिवेशन। रेस्टिंग पे एक्टिवेशन गेट बंद होता है ताकि सोडियम अंदर ना, इनएक्टिवेशन खुला होता है। जब आता है एक्शन पोटेंशियल तो इनएक्टिवेशन गेट भी खुल जाता है, एक्टिवेशन गेट भी खुला होता है, तो ये सोडियम इन्फ्लक्स होता है, अंदर आ जाता है सोडियम काफ़ी। उसके बाद जो है ना, जब दोबारा से इनएक्टिवेशन होती है तो नीचे वाला इनएक्टिवेशन गेट बंद हो जाता है, सोडियम जो है ना फर्दर अंदर नहीं आता, पोटेशियम खुल जाता है, तो पोटेशियम बाहर लीक कर जाता है, इट ब्रिंग्स बैक द नेगेटिविटी इनसाइड। ठीक है, अब स्टेजेस कौन सी होती है एक्शन पोटेंशियल की? पहली रेस्टिंग स्टेज है, दिस इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिफोर द एक्शन पोटेंशियल बिकम द मेम्ब्रेन इज सेट टू बी पोलराइज, क्योंकि इस स्टेज पे जो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो जीरो नहीं है बल्कि वो इट इज मोर टुवर्ड्स द नेगेटिविटी, तो इट इज पोलराइज्ड। ठीक है, दूसरी स्टेज आ जाती है डीपोलराइजेशन स्टेज। जब स्टिमुलस हम अप्लाई करते हैं तो जो गेट्स होते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया उस पर कन्फर्मेशन चेंजेस आ जाती हैं, तो ओपन ओपनिंग अप ऑफ द एक्टिवेशन गेट जो कि क्लोज होते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं, जिससे थोड़ा सा सोडियम अंदर आता है। थोड़ा सोडियम अंदर आता है इसका मतलब थोड़ी सी पॉजिटिविटी अंदर आई, तो अंदर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -90 से -65 पे चला जाता है। -65 जो है ना दैट इज द थ्रेशोल्ड फॉर द ओपनिंग ऑफ द सोडियम गेट्स। जब वो -65 पे जाता है तो सोडियम गेट्स एक्टिवेशन गेट्स पूरे खुल जाते हैं और सोडियम इन्फ्लक्स जो है ना वो 500 टू 5000 फोल्ड्स इंक्रीज कर जाता है, यानी बहुत ज़्यादा सोडियम दैट मूव्स इनसाइड। ठीक है, और जब वो अंदर मूव करता है तो अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है बियॉन्ड जीरो लेवल, +35 पे चली जाती है, और इस स्टेज को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन स्टेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये देखिए इस डायग्राम में, अगर आप नीचे देखें एक्स एक्सिस पे तो टाइम है और वाई एक्सिस पे मिली वोल्ट्स है जो उसके पोटेंशियल है। तो अगर हम यहाँ -90 से शुरू करें विच इज़ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब आप नीचे टाइम बार पे आते हैं तो जहाँ जीरो है उसके ऊपर देखिए, यहाँ पर आके अगर आया है कोई स्टिमुलस तो सोडियम चैनल थोड़े से खुल गए हैं जो कि -65 तक ले आए हैं इसके मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। जब 65 पे आते हैं तो एक्टिवेशन गेट पूरे खुल जाते हैं और सोडियम जो है ना इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है, पॉजिटिविटी इनसाइड आती है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल +35 तक चला जाता है। जब +35 तक जाता है तो जो एक्टिवेशन गेट जो सोडियम के खुले होते हैं वो बंद हो जाते हैं और पोटेशियम जो लीक चैनल्स हैं वो खुल जाते हैं, तो पोटेशियम बाहर मूव करता है, दिट ब्रिंग्स बैक द नेगेटिविटी इनसाइड। ठीक है, और अगर ये ओवरशूट कर जाए और अगर ज़्यादा देर पोटेशियम चैनल जो है ना दे आर स्लो चैनल्स, तो अगर वो देर से बंद हों तो मोर पोटेशियम इज मूव आउटसाइड, जिससे मोर नेगेटिविटी इज ब्रॉट अबाउट, तो इस स्टेज को हम कह देते हैं हाइपर पोलराइजेशन स्टेज जो कि फोर्थ स्टेज। ठीक है, इन द लार्ज द फाइबर एक्सेस ऑफ द पॉजिटिव आयन सोडियम आयन मूविंग टू द इनसाइड कॉजेज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू एक्चुअली ओवरशूट बियॉन्ड द जीरो लेवल। ठीक है, तो सोडियम चैनल वो जो मैं आपको बता रही हूँ कि जीरो से ऊपर चला जाता है प्लस साइड पे और 35 पर चला जाता है। ठीक है, बट दिस रिमेन्स फॉर ओनली 10,000th ऑफ अ सेकेंड, इतनी फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड ये रहता है। उसके बाद दीज चैनल्स दे बिकम इनएक्टिवेटेड, ऊपर वाला जो है वो एक्टिव इनएक्टिवेट हो जाता है, एंड इनएक्टिवेशन इज रिलेटिवली स्लोअर प्रोसेस। ठीक है, लेकिन वो हो जाता है उसके बाद। उसके बाद इक्वलाइजेशन होती है, एक्टिवेशन ऑफ द वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। ठीक है, पोटेशियम गेटेड चैनल जो कि पहले इनएक्टिवेट थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं, खुल जाते हैं और पोटेशियम इज मूव आउटसाइड, ई फ्लक्स ऑफ द पोटेशियम जो है ना वो होना शुरू हो जाती है, ये इट ब्रिंग्स बैक मोर नेगेटिविटी इनसाइड, और इस स्टेज को हम कह देते हैं डीपोलराइजेशन स्टेज। फुल रिकवरी ऑफ द नॉर्मल नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अकर्स विद इन फ्यू 10,000th ऑफ अ सेकेंड, यानी बहुत ही अर्ली दोबारा वो उस पर चला जाता है रेस्टिंग पे। अब आफ्टर डीपोलराइजेशन एक एक स्टेज आती है बीच में, कि लास्ट 30% ऑफ द रिपोलराइजेशन वो स्लो होती है पोटेशियम की, क्योंकि वो जो पोटेशियम गेट जो खुले हैं वहाँ पे आगे जाके ज़्यादा पोटेशियम एक्यूमुलेट हो जाता है, तो फर्दर मूवमेंट ऑफ द पोटेशियम बाहर नहीं होती। तो अगर थोड़ा सा पॉजिटिविटी की साइड पे रह जाता है अंदर मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उससे ये होता है कि इट में इसको हम उसको आफ्टर डीपोलराइजेशन कहते हैं, और उस पर रिपोलराइजेशन फेज फेज होती है ना वो स्लोर होती है
और वहाँ पर एक टेंडेंसी होती है नर्व फाइबर्स की टू बी, अगर ये थ्रेशोल्ड के पास हो मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेज में, तो उसके दोबारा एक्साइट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आफ्टर डिपोलराइजेशन इज द स्टेज ऑफ द लास्ट पोर्शन ऑफ द डिपोलराइजेशन, कि जहाँ पे फर्दर मूवमेंट ऑफ द पोटेशियम बाहर नहीं होती, अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी -90 तक नहीं आती, अगर -65 के क्लोज क्लोज हो तो वो थ्रेशोल्ड के पास होता है, उस वक्त अगर कोई स्टिमुलस दिया जाए तो वो दोबारा से एक्शन पोटेंशियल उसमें जनरेट हो सकता है। आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन, अब आफ्टर डिपोलराइजेशन के बाद एक स्टेज आ सकती है आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन, यानी कि पोटेशियम वेट इतनी देर तक खुले रहे हैं कि ज़्यादा पोटेशियम दैट मूव्स आउटसाइड बियॉन्ड -90, और वो -90 से भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाए इनसाइड द मेम्ब्रेन, और उस स्टेज को हम कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन स्टेज। और उस पर जो है ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द नर्व फाइबर टू बी एक्साइटेड अगेन नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग इज द स्टिमुलस। उस स्टेज पे हम कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दें तो उसको हम दोबारा स्टिमुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो द क्लोजर ऑफ द पोटेशियम चैनल लीडिंग टू द एक्सेसिव रिफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम कॉजिंग मोर नेगेटिव पोटेंशियल, दैट इज हाइपरपोलराइजेशन। ऑल्सो सोडियम पोटेशियम पम्प इज एक्टिवेटेड ऑल द टाइम, सोडियम पोटेशियम पम्प का काम कर वो भी ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करता है इनसे। तो दो बहुत दिस फैक्टर्स, या तो पोटेशियम चैनल ज़्यादा खुले रहे हैं या सोडियम पोटेशियम पम्प, ये दोनों मिलकर हाइपरपोलराइजेशन भी करवा सकते हैं, जिसपे कि नर्व फाइबर्स को एक्साइट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए ग्राफ है, इससे ऊपर वाला देखिए, ऊपर उसने दिखाई है स्टेज अर्ली पार्ट ऑफ द एक्शन पोटेंशियल की, जिसमें ऊपर पर्पल जो है ग्राफ वो है सोडियम का, जिसमें के इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम हुआ है, अंदर आया है सोडियम और वो दैट हैज़ गॉन बियॉन्ड जीरो, वो मोर पॉजिटिव हो गया ऊपर, ठीक है। पोटेशियम जो है वो उतना यहाँ पर उसकी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव ऊपर उसने शूट ओवरशूट नहीं किया है, ठीक है। लेकिन निचले में देखिए, इसमें दिखाया है कि पोटेशियम ब्लू में जो है वो थोड़ी देर बाद एक्टिव होता है, और जब वो एक्टिव होता है दैट ब्रिंग्स अबाउट द नेगेटिविटी, ठीक है। तो पोटेशियम चैनल जो है ना, इट दीज आर अ बिट डिलेड एक्टिवेशन चैनल्स, और सोडियम जो होते हैं ना वो ज़्यादा अर्ली होते हैं एंड दे आर रैपिड इनफ्लक्स होता है सोडियम का, ठीक है। अब कैल्शियम के सारी एक्साइटेबिलिटी में क्या रोल है, कैल्शियम आइंस इन द एक्सट्रासेलुलर फ्लूइड स्टेबलाइजेस द मेम्ब्रेन बाय बाइंडिंग विद द नेगेटिवली चार्ज्ड इनर सरफेस ऑफ द सोडियम चैनल्स एंड हेल्प टू क्लोज द एक्टिवेशन गेट ऑफ द सोडियम चैनल एट रेस्ट, ठीक है। इनका काम क्या है, वो बाहर की तरफ जो सोडियम चैनल्स की इनसाइड जो नेगेटिविटी होती है उसको मेंटेन करता है, और वहाँ पर वो जो है वो ब्लॉक कर देता है सोडियम एक्टिवेशन गेट को, कि वो ओपन ना हो ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज, ताकि वो सोडियम जो है वो अंदर मूव ना कर सके। हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है कि देर इज़ लेस आयनिक कैल्शियम, सो द क्लोजर ऑफ द एक्टिवेशन गेट ऑफ द सोडियम चैनल इज नॉट कम्प्लीट, लीडिंग टू सम लीकेज ऑफ द सोडियम इन टू द सेल, ब्रिंगिंग इट नियरर टू द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, लीडिंग टू इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी। कि अगर कैल्शियम जो है वो सोडियम एक्टिवेशन गेट जो कि प्रिवेंट कर रहा था इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम को, अगर वो सोडियम उसको वो बंद नहीं रखेगा गेट को, और कैल्शियम लेवल कम होगा, सो लेस कैल्शियम इज अवेलेबल फॉर द क्लोजर ऑफ द एक्टिवेशन गेट। तो होता क्या है, थोड़ा सा गेट को खुला रह जाता है एंड लिटिल सोडियम दैट लीक्स इनसाइड, वो दोबारा थोड़े से सोडियम आइंस अंदर मूव कर जाते हैं, और अगर वो थ्रेशोल्ड के पास चले जाएँ -65 मिलीवोल्ट तक ले जाएं अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो वो एक्साइटेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। और हाइपरकैल्सीमिया, अगर कैल्शियम आइंस ज़्यादा हो जाएं तो मेम्ब्रेन जो होती है ना वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाती है, एक्टिवेशन गेट ज़्यादा टाइटली क्लोज होते हैं, तो फिर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द फाइबर सोडियम अंदर मूव भी करते, एक्साइटेबिलिटी ऑफ द फाइबर कम हो जाती है, ठीक है। तो हाइपोकैल्सीमिया में लेस कैल्शियम एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, और हाइपरकैल्सीमिया में एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है, दिस इज रिवर्स ऑफ द पोटेशियम। नेक्स्ट इज द, ये तो अब हो गया जी, वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, नर्व इंपल्स जनरेट हो गया, अब हाउ विल इट प्रोपेगेट, इसने आगे बढ़ना भी तो है, सिर्फ एक जगह तो स्टे नहीं ना करेगी, तो इसने आगे कैसे प्रोपेगेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कि सोडियम चैनल जो होते हैं ना वो खुलते हैं, वो साथ वालों को भी एक्साइट कर देते हैं, और नेबरिंग सोडियम चैनल जो है ना दे ऑल्सो ओपन अप, ब्रिंगिंग मोर सोडियम इनसाइड, ब्रिंगिंग मोर पॉजिटिविटी इनसाइड इन बोथ द साइड, तो जिसने प्रोपेगेशन होती है इट अकर्स इन बोथ द डायरेक्शंस, स्टिमुलस के दोनों साइड पे ये मूव करता है और ब्रिंग बैक, आप ये आखिरी वाले में देखिए कि प्रोपेगेशन में करंट जो है स्प्रेड करता है ब्रिंगिंग मोर पॉजिटिविटी इनसाइड द नर्व फाइबर। अब इसमें क्या होता है, एट द पॉइंट ऑफ स्टिमुलस अ लोकल सर्किट ऑफ द करंट इज फॉर्म बिटवीन द डीपोलराइज्ड एंड एडजेसेंट रीपोलराइज्ड एरिया, ठीक है, इन द बिटवीन एक्सोप्लाज्म एंड ईसीएफ,
करंट जो है ना वो फ्लोइंग आउटवर्ड थ्रू द पोलराइज एरिया उसको भी डीपोलराइज कर देता है चैनल को। तो आहिस्ता आहिस्ता ये डीपोलराइजेशन जो है वो नेबरिंग एरियाज ऑफ द जो कि पहले सिर्फ पोलराइज थे रेस्टिंग पे थे वो उस पर ओपन अप करता जाता है सोडियम चैनल्स, तो वो ज़्यादा पोलराइजेशन जो है ना वो डीपोलराइजेशन में कन्वर्ट होती जाती है और नर्व वेफर्स आगे आगे मूव करना शुरू हो जाती है। अब जो एरिया सबसे पहले डीपोलराइज हुआ था वो सबसे पहले ही रिपोलराइज होगा दोबारा से, तो पीछे रिपोलराइजेशन होती रहती है और डीपोलराइजेशन आगे मूव करती जाती है, नर्व वेफर्स आगे मूव करती जाती है। ठीक है, अब एक्शन पोटेंशियल की क्वालिटी ये है कि एक तो ये कि ये स्टिमुलस के सब तरफ जो है ना वो ट्रेवल करती है, सब तरफ प्रोपेगेट करती है। दूसरी बात यह है कि इसमें ये इट फॉलोज द ऑल और नथिंग प्रिंसिपल को ये फॉलो करती है प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये अगर तो फेवरेबल कंडीशन है तो ये सारी नर्व फाइबर में पोटेंशियल जाएगा, और अगर फेवरेबल नहीं है तो वो आगे मूव ही नहीं करेगा, यानी या तो पूरी की पूरी नर्व फाइबर जो है ना वो स्टिमुलेट होगा या नर्व फाइबर बिल्कुल भी स्टिमुलेट नहीं होगा अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो। दिस इज ऑल और नथिंग प्रिंसिपल। एक और है सिग्नल ट्रांसमिशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे पास नर्व फाइबर है वो माइलिनेटेड है या नहीं है। माइलिनेटेड का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर माइलिन शीथ बनी हुई है कि नहीं। अब माइलिन शीथ क्या होती है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ इंसुलेटर होता है। ये माइलिन शीथ जो होते हैं श्वान सेल्स होते हैं वो उनके वो उसके ऊपर रैप अप कर देते हैं एक्सॉन्स को। जाहिर है एक्सॉन्स के जरिए ट्रांसमिशन हो रही थी तो एक्सॉन्स के ऊपर रैप अप कर देते हैं और उस एरिया को इंसुलेट कर देते हैं, वहाँ से जो मूवमेंट ऑफ द आयन फ्रॉम दैट एरिया वो नहीं होता। लेकिन इसके बीच में इस रैपिंग ऑफ माइलिनेशन बाय द श्वान सेल्स के बीच में एरियाज होते हैं जहाँ पर ये रैपिंग अप नहीं होती और वहाँ पर नर्व फाइबर जो होता है ना दैट रिमेन्स जो है ना वो बेयर रहता है और वहाँ से जो आयन एक्सचेंज होता है वो आराम से हो सकता है। उस एरिया को जहाँ पे माइलिन शीट नहीं होती उस एरिया को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। 1 to 3 millimeter एरिया के डिस्टेंस पे होती है ये। और जो इंसुलेशन किससे होती है, जो एक मटेरियल होता है लिपिड लाइक सब्सटेंस होता है स्फिंगोमाइलिन, उसकी वजह से ये इंसुलेटर का काम करते हैं श्वान सेल्स। ठीक है, और जहाँ पे इंटरप्टेड एरिया है दैट इज द नोड ऑफ रेनवियर। और ये नोड ऑफ रेनवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द एक्शन पोटेंशियल नहीं होता बल्कि एक्शन पोटेंशियल जंप कर करके जाता है फ्रॉम द नोड ऑफ रेनवियर। जो इंसुलेटर एरिया है वहाँ पर आयन एक्सचेंज नहीं होता, जो अनइंसुलेटेड एरिया है नोड ऑफ रेनवियर है आयन एक्सचेंज वहीं से होता है, एक्शन पोटेंशियल वहीं से जनरेट करता है और एक्शन पोटेंशियल जंप होकर आगे जाता है। ठीक है, सॉल्टस मीन्स जंपिंग एंड माइलिन शीथ इज प्रेजेंट व्हिच इज इंसुलेटेड। ठीक है, At nodes of Ranvier, myelin sheath is absent and the ion channels are present. So local circuit of the current can be established between two nodes of Ranvier. ठीक है, अब जो local circuit जो develop होता है वो दो nodes of Ranvier के दरमियान develop होता है between depolarized node of Ranvier and adjacent polarized node of Ranvier. यानी बीच में जो जो insulated area वहाँ कुछ नहीं हुआ। Afterward, same process as explained in the unmyelinated but at both node of Ranvier. बिल्कुल वैसे ही action potential generate होता है जैसे कि unmyelinated node. लेकिन सर नोड ऑफ रेनवियर के ऊपर होता है। देयर इज जंपिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम नोड टू नोड एंड दिस इज नोन एज सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेटरी कंडक्शन पे क्वेश्चन भी आ सकता है, उस पर नोट भी आ सकता है और उसके लिए आपको ये डायग्राम याद करनी चाहिए। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल्स ओनली अकर एट द नोड्स, कोई चैनल कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड नहीं होते। ठीक है, इंक्रीज वेलोसिटी हो जाती है, जाहिर है जब जंप करके की जाएंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज कर देती है और एनर्जी कंजर्वेशन होती है कि जाहिर है पूरी की पूरी वो जो एनर्जी कंजम्पशन होनी है फॉर द होल नर्व फाइबर टू बी उसको जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है फॉर द आयन एक्सचेंज वो एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है क्योंकि कम फासले के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, सो लेस इसके एडवांटेजेस ऑफ द सॉल्टेटरी कंडक्शन होते हैं, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, 100 टाइम्स लेस लॉस ऑफ आइंस होते हैं, लिटिल मेटाबॉलिज्म रिक्वायर्ड फॉर रिस्टैब्लिशिंग आइंस, फास्ट कंडक्शन होती है 5 to 50 वो फोर्स, रैपिड कंडक्शन होती है, डीपोलराइजेशन अकर विद वेरी लिटिल ट्रांसफर ऑफ आइंस ड्यू टू द एक्सीलेंट इंसुलेशन बाय द माइलिन माइलिन मेम्ब्रेन। ठीक है, ये माइलिन शीट। अब होता है कि हाइपोकैलेमिया हाइपरकैलेमिया हाइपोकैल्सीमिया के इफेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हाइपोकैलेमिया हो जाए लेस पोटेशियम कम हो जाए तो एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है, हाइपरकैलेमिया हो जाए तो एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाए तो भी एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है, एक दूसरे के रिवर्स चलता है। ठीक है, यह भी याद करने की चीज़ है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।
if there is any there are any question in your mind, you can ask me in the chat and I'll see it. I still have 7 minutes with me and I can repeat it for you. तो इसमें जो है ना, इस आज के सारे लेक्चर में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हाउ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज एस्टैब्लिश्ड वो इम्पॉर्टेंट है, हाउ एक्शन पोटेंशियल इज एस्टैब्लिश्ड वो इम्पॉर्टेंट है, उसके चारों फेजेस हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और माइलिनेशन ऑफ द शीट कैसे होती है, और एडवांटेजेस ऑफ द सॉल्टेटरी कंडक्शन कैसे होती है, ये 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। उनको आप अच्छी तरह से कवर कर लेना विद द डायग्राम्स। आपको ग्राफ भी आ सकता है एक्शन पोटेंशियल का, इसको लेबल करें या इसको एक्सप्लेन करें हाउ एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड और किस तरह से वो आगे प्रोपेगेट कैसे होता है, ठीक है। सो ये 4 चीज़ें आपने आज के लेक्चर में अच्छी तरह से याद करनी हैं। अब आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं, बिकॉज द थिंग्स आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर योर एग्जाम्स, और देर फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि BDS के बच्चों ने 2 साल की फिजियोलॉजी एक साल में पढ़नी है, सो यू हैव टू बी वेरी फास्ट। MBBS के बच्चों के निस्बत आप लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सारा कुछ करना होगा, तो बी स्मार्ट एंड अब अपनी तैयारी बहुत सीरियसली आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन मीन्स यू गॉट ऑल द पॉइंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, मेरा कल भी है लेक्चर, एंड आई विल सी यू टुमारो, विल डिस्कस द स्केलेटल मसल, उसके डिफरेंट फेजेस कल परसों में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। And thank you so much and goodbye. Thank you.